एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और आज मुझे टहलते जाते समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसा भी नहीं था कि मैं टहलने ना जाऊँ, मेरा मन हो रहा था कि मैं टहलने जाऊँ। अब जिस चीज़ की आदत लग गई है उस चीज़ का तो मन करेगा ही करेगा। तो आज मैं गोलू को सुबह जगा के ले गई हूँ। आज है 13 तारीख, दिन है शनिवार, शनिवार का सुबह का टाइम है, टहलने निकल चुकी हूँ। तो मैंने कहा गोलू तू चल मेरे साथ, और उसको भी साइकिलिंग करनी होती है। सुबह जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, उसमें टहलने का या फिर साइकिलिंग करने का अलग ही आनंद होता है। तो गोलू को तो ऐसे छुट्टी मिलती नहीं है, शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चों को। तो वो मतलब बाकी के दिनों में अपना स्कूल चले जाते हैं 6 बजे, और मुझे जम्हाई आ रही। तो उन सब के पास टाइम नहीं होता है बाहर जाने का या घूमने का। तो उन्होंने कहा मम्मी कल चलना, तो मुझे भी बुला लेना अपने साथ। हमने कहा चलो ठीक है, तुम भी चलना। वैसे मुझे डर भी लग रहा था, तो हमने सोचा चलो भाई, दो एक पंथ दो काम हो जाएंगे, गोलू भी टहलने चले जाएगा और हम भी मतलब टहल आएंगे। तो बस टहल के वापसी हो चुकी है, गोलू यहाँ पे है। बोल रहा था मम्मी मुझे भी बुला लिया होता। हमने कहा तुम दिखाई ही नहीं दे रहे थे दूर दूर तक, ना तो तुम्हारे पास फ़ोन था कि फ़ोन कर देते कि तुम चले आते। और बस टहलना हो चुका है, 2 राउंड आज हुए हैं, आज छुट्टी थी, आराम आराम से टहलना हुआ। ये देखिए गोलू साइकिल चला रहे हैं और मेरी कॉलोनी के सभी लोग हैं। थोड़ी देर बैठना भी हुआ, थोड़ी देर टहलना भी हुआ। अब सुबह हो चुकी है हल्की हल्की, तो हमने सोचा चलो भाई अब टहलना हो चुका है तो घर चलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह के टाइम। अगर कभी आप नहीं टहलने गए हो तो आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे टहलने जाएं, बहुत अच्छा लगता है खुले हवाओं में सैर करना। उसके बाद टाइम था मेरे पास ज़्यादा, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले गर्म पानी पी लेते हैं। अभी घर में कोई उठा नहीं था, गोलू टहल के आए मेरे साथ, मंजन किया, हाथ पैर धुला, फिर से लेट गए, सो गए। और हमने कहा भाई अब हम सोएंगे तो फिर काम कैसे होगा, इससे अच्छा यही है कि हम अपने काम निपटाते रहें। तो गर्म पानी किया है, ये ग्लास भर के आधा लीटर गर्म पानी होता है, तो इसको सिप सिप करके पीते हैं। उसके बाद चाय चढ़ा दी है, चाय हमारी अच्छे से खौल चुकी है, छान देंगे। एक ही कप चाय बनी है आज। इन्होंने कहा कि कप की बजाय मुझे ग्लास में चाय देना क्योंकि इनको कप में पीना अच्छा नहीं लगता, पहले ग्लास में ही पीते थे। बाकी कुछ दिनों से जब से बरेली से आए हैं ना, तब से कप वाला सिस्टम हमने निकाला है। और घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुके हैं। मुझे ना ऐसा लगता है पोछा तो मैं ऐसे ज़मीन में फर्श में लेट लेट के लगाती हूँ, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, तो इसलिए पोछा झाड़ू करते समय मैं बहुत कम ही सूट करती हूँ। अगर सूट करना होता तो पहले ढंग से, मतलब ऐसे होता ना कि जब वीडियो में आओ तो ढंग से रहो तो ही ठीक लगता है, ऐसे फर्श पे लेटते हुए नागिन डांस करते हुए अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कटिंग चॉपिंग का काम शुरू हुआ, घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। ये तिरोई आया था, इसकी सब्जी वैसे सरसों वाली खानी थी, जैसे एक दिन बनाए थे ना तो उनको बहुत पसंद आई थी पांडे जी को, तो बस उन्होंने कहा था कि सेम वैसी सब्जी बनाना जैसे बनाई थी एक बार। हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे तिरयों के छील रहे हैं, ये काट रहे हैं क्योंकि इनके पास टाइम था, और जब इनके पास टाइम होता है तो फिर कटिंग चॉपिंग में जुट जाते हैं। करेला भी आज बनाना था, करेला भी आया था, सोच रहे थे भरवा करेला बनाएं, फिर दिमाग सोच के आया कि कितना भी इसको भर के भरवा बनाएंगे, मसाले तो सारे के सारे बाहर आने हैं, ऊपर से तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमने सोचा चलो सबसे सबसे अच्छा है कि सब्जी बना दो। तो करेला कट करके सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसका जो कड़वापन है उसका निकल जाएगा। और इसको नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों को उठाया जगाया, हमने सोचा चलो भाई नाश्ता कर लो तुम लोग, नहीं तो हम स्नान करने चले जाएंगे तो फिर घंटे भर बाद नाश्ता मिलेगा, स्नान पूजा करने के बाद ही। तो बच्चों को जगा के उनका नाश्ता लगा दिया है, दोनों अपना नाश्ता कर लेंगे। और हम भी नहाने चले गए थे, नहा के अब फिर से पूजा पाठ कर लिया है। और उसके बाद आज नाश्ते में एक काजू कतली, 2 छुहारा और चने जो हमने भिगोए थे उनको अंकुरित कर लिया, स्प्राउट तैयार हो चुका है। इस बार मूंग नहीं भिगोया था, हमने सोचा पहले चना खा लेते हैं फिर अगली बार मूंग स्प्राउट तैयार करेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ स्प्राउट तैयार कर लो ना तो जल्दी ख़त्म नहीं होते, थोड़ा थोड़ा खाना होता है। बस इनको अच्छे से चबा चबा के 32 बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनको अच्छे से चबा चबा के खाएं आप। अब तो मेरी आदत हो चुकी है ऐसे ना, मैं तो लगता है ना कि 32 बार ही चाव करके खा रही हूँ, मेरी आदत बन चुकी है अब ये 6 महीने 7 महीने से। चना खाने के बाद एक काजू कतली खाया है, मीठा तो नहीं खाते थे लेकिन पता नहीं क्यों आजकल घर में है तो रहा नहीं जा रहा है, सुबह के टाइम खा लेते हैं। सुबह के टाइम खाने से क्या होता है कि मीठा खाने से हम दिन भर काम करते रहते हैं, और जो इसका मीठा में फैट होता है वो हमारे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर फैट नहीं होता। अगर हम मीठा खा के, चीनी खा के या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा के तुरंत सोते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है। और मीठा खा लिए हैं अभी, तो मुझे शाम तक तो बस चलना ही चलना है, किचन के सारे काम निपटाने हैं।
जो ये करेला हमने नमक डाल के रखा था ना, इसका इसको अच्छे से मसल लेंगे हाथों से। देखिए कितना कड़वा कड़वा पानी निकल रहा है, बस इसको अच्छे से गाड़ देंगे। अगर आपने करेला धुला नहीं है तो आप धुल भी सकते हैं, इसमें नमक पड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि सब्ज़ी में नमक डालते समय बहुत कम ही नमक डालें, क्योंकि करेले में नमक डाल के हमने इसका पानी निचोड़ा है। प्याज कट कर ली है, एक टमाटर लिया है, और सबसे पहले हम करेला को छौंक देंगे, तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा मात्र तेल डाला है 2 चम्मच के लगभग, इसमें मेथी डाला, हल्दी डाला है, इसको अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ये करेला प्याज दोनों एक साथ डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप याद रखना, पहले भी हमने करेले में नमक डाला है, इससे आप ज़्यादा नमक ना डालें, थोड़ा सा बस। प्याज जो है, टमाटर डालेंगे, उसी के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके बस ढक देना है, बीच बीच में सब्जियों को चलाते रहना है, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, बीच बीच में चलाते रहें और करेला को धीमे धीमे आंच पे पकाएं। ये मसाला लिया है 1 पूती लहसुन, 7-8 हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, सरसों के दाने और थोड़ा सा हमने साबुत धनिया लिया है। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। और दूसरी वाली जो सब्जी हमने काट के रखी है, तिरोई वाली, उसके लिए मसाला थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको एक अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें और कोई मसाले जाएंगे, जैसे गरम मसाला, इसको कहते हैं ठंडा गरम मसाला, तो इसमें ये ठंडा मसाला हो गया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा सब्जी बनाते समय। तो मसाला तैयार हो चुका है, फटाफट से एक बार करेला देख लेते हैं, चला देते हैं। इसमें एक टमाटर कट करके डाल दिया, इसकी जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर कच्चे आम हो सीजन में तो वो डाल सकते हैं, लेकिन अब ना मुझे टमाटर वाली ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है करेले की। इसको अच्छे से ढक देना है। और चावल भी, पहले तो मन नहीं था चावल बनाने का, फिर बाद में हुआ कि हो सकता है किसी का मन हो खाने का ये तिरोई वाली सब्जी से, तो हमने बस 1 कटोरी चावल रख दिया है बनने के लिए। और जब तक हमारा सब्जी और करेला बन रहा है, तब तक हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। रोटियाँ भी थोड़ी सी लगती हैं, 2-2, 4-4 रोटियाँ, और आज सब घर पर ही हैं, डिब्बा ले नहीं जाना है, टिफिन नहीं ले जाना है, तो बस थोड़ा सा आटा लगाना है। और यहाँ पर आटा लग चुका है, इसको साइड में रख देते हैं, सब्जी को चला देते हैं। देखिए कितना अच्छा लाल लाल करेला हमने पकाया है। ये थोड़ा सा भरवा मसाला जो हमने बनाया था ना, अभी तक रखा हुआ था, आज जाके ख़त्म हुआ, इसको डाल दिया है करेले में। तो देखिए हमारे करेले का टेस्ट भरवा जैसे आएगा, कम तेल में, कम मेहनत में लाल लाल करेला बनके बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच हमने डाला है गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें मात्र आधी चम्मच के किचन किंग जाएगा। ये मसाला तैयार है, कढ़ाई धुल ली है, इसमें डाला है सरसों का तेल, 2-2.5 चम्मच तेल है, ज़्यादा तेल सब्जी में नहीं डालते हैं। मेथी दाना का तड़का लगाया है और तिरोई हमने डाल दी है। तिरोई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद बस वही मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे जो हमने मसाला पीस के तैयार किया है, नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तिरोई की सब्ज़ी आप बीच बीच में चलाते हैं, इसमें पानी छोड़ता है, बस थोड़ा सा मसाले धुल के इसमें पानी डाल देंगे, इसकी लुटपुट सी एक बढ़िया सी सब्जी तैयार करेंगे। तिरोई, नेनुआ, लौकी, ये सारी ऐसी सब्जियां हैं जो पानी छोड़ता है, बस तिरोई के बीच बीच में आपको चलाते रहना है, इसको भूनते रहना है, इसको गला के अच्छे से पका लेना है। तो चलिए इसको अब ढक देते हैं, ये पकती रहेगी और अगला काम बढ़ाते हैं, यहाँ पे रोटियां बना लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी लंच करने, लंच तैयार हो चुका है। थोड़ी सी सब्जी ली है, थोड़ी सी करेला लिया है, थोड़ा सा सलाद कट कर लिया है, 2 रोटी ली है। आजकल ना मक्के वाली आटा की रोटी नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी दही रखी थी आज कई दिनों से, तो हमने सोचा इसको खा लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के हमने खाया। उसके बाद बस सब्जी रोटी इन्जॉय करेंगे, आराम से खाना खाना है, 32 बार चाव करके खाना है। रोटी चावल कम खाएँ, सब्जी दाल ज़्यादा खाएँ, दही खाएँ, दूध खाएँ, सलाद खाएँ, और कच्ची सब्जियां जैसे सलाद में खीरा और चुकंदर, प्याज, टमाटर या फिर स्प्राउट भी आप सलाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अब मेरा 2 रोटी में पेट फुल हो जाता है, तो इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकती हूँ। खाने को आराम से 32 बार चाव करके खाना है, और शाम के टाइम ना कोई मेरा नाश्ता होता है, ना ही चाय होती है। शाम के मतलब 1:30 बजे 1 बजे खाना होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती है। उसके बाद सिर्फ पानी पीते हैं जब भी मुझे प्यास लगती है, और शाम के टाइम चाय पीते नहीं हैं। चना बना रखा है सब कुछ, लेकिन खाने का मन ही नहीं होता जब भूख नहीं लगती है, तो फिर ज़बरदस्ती खाने का मतलब ही क्या है। उसके बाद शाम के टाइम टहलने निकल जाते हैं, साथ में दूध का डिब्बा होता है, दूध आता है और टहलना हो जाता है। और सबसे अच्छा लगता है मुझे टहलना, सुबह हो शाम हो, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है ना, टहलने निकल जाती हैं। और ये जगह आप लोगों को पता ही होगा कौन सी जगह है,
आप लोगों को बताया ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ही अच्छा, मतलब ये टहलने के लिए है। बाहर के लोग भी आते हैं और जो लोग इसके अगल बगल रहते हैं सभी लोग आते हैं। जो इसकी मर्जी हो वो टहलने आ सकता है, ऐसा कोई यू नहीं है। और टहल के उसके बाद फिर घर वापस आ जाते हैं, घर के जो काम होते हैं। और मुझे ना इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि क्या ही बताएं। हरियाली रहती है, हरा हरा, चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, गार्डन रहते हैं, पार्क रहते हैं, मतलब क्या बताएं आपको। बस इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, बता पाना मुश्किल है, बस महसूस कर पाना अच्छा लगता है। और मुंह धुल के गए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा है, देख सकते हैं कितना सारा मतलब कपड़ा गीला हो चुका है गर्मी से। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9। आज बड़े जल्दी ही खाना पीना हो चुका है सबका और मेरा भी हो चुका है। आप लोग पूछते हैं ना रात को क्या खाती हैं, तो रात के टाइम अगर मुझे ज्यादा भूख लगती है तो एक गिलास दूध एक कप दूध पी लेते हैं। आज एक रोटी खाई थी तो मैं एक गिलास दूध ले लिया है। सारे घर के लोग खाना पीना खा चुके हैं, बर्तन साफ कर दिया है, किचन साफ कर दिया है, सिर्फ मुँह धुलना है। और गौरी को गिफ्ट मिल गया है, रक्षाबंधन माला। सिर्फ मुंह धुलना है, एलोवेरा जेल लगाना है। हमने सोचा उससे पहले आप लोगों के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है जब आप लोगों के आमने सामने हो तो वीडियो का एंड करते हैं। शाम तक आते आते ना ऐसी नींद आती है एकदम से सुस्ती घेर लेती है ना, ऐसे कहते हैं आलस सी आने लगती है। फिर होता है वीडियो शाम को वहीं टहलते टहलते ही खत्म कर देते हैं, घर आके शूट नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा शूट किया, बर्तन धुलते हुए, किचन साफ करते हुए, बस ऐसे सिंपल सा साफ कर देते हैं। किचन ज्यादा गंदा वंदा नहीं रहता है, कहते हैं ना जब रोज डेली डेली साफ सफाई करो तो इतना ज्यादा गंदगी नहीं होती है। तो बस साफ सफाई हो चुकी है, आप लोग देखते ही होंगे। गीला कपड़ा करके ना बस टाइल्स को पोंछ देना होता है। अगर चिकना वाला चीज बनता है, जैसे ऑयली चीज बनता है, पूरी पराठे, छोले भटूरे, ये सब कब भी बनता है ना, तो पूरे किचन को स्कॉच ब्राइट से साबुन लगा के धुलना पड़ता है, ऐसे साबुन से साफ करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल जब सब्जी रोटी बनती है या फिर कुछ ऐसा सादा सिंपल बनता है तो इतना ज्यादा साफ सफाई नहीं रहती है। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों के सवाल अगर कोई है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 32 बार चाव करके खाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखते भी नहीं, आधा ही अधूरी देखते हैं और जो ड्यूरेशन होता है ना वो बताता है कितनी देर वीडियो चली है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल के। बाय बाय, शुभरात्रि।